हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना समर खान। तो इस समय मैं आया था दफना में, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे राइडर भाई लोग वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। तो मैंने सोचा चल के किसी से क्यों ना बात करें और देखें कि ऑर्डर में अभी क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अभी कतर में नया अपडेट आया है। जो वो अपडेट ये है कि जो मतलब जो टाइमिंग चेंज करी गई थी गर्मी की वजह से, दिन में बंद कर दिया गया था सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक, अब वो खोल दिया गया है। चल के किसी से बात करते। तो यहाँ पे दो भाई लोग मेरे नेपाल के बैठे, बाकी यहाँ पे लोग बाहर के हैं। चल के इससे बात करते। भाई कैसे है? भाई बस 2 मिनट आपसे बात करेंगे। तो भाई आप ये बताइए, तो तालिबाद में अभी जो नया अपडेट आया है, जो टाइमिंग थी वो चेंज कर दी गई है, जो बंद था मतलब अभी दिन सुबह 9:30 बजे से और 3:30 बजे तक, तो अभी वो खोल दिया गया। तो उससे कुछ काम में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो काम में थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है ना। अच्छा, अभी दिन में काम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पहले से ज़्यादा। अच्छा, जब होता है ना काम वैसे। अच्छा, आप लोग को ऑर्डर में कुछ बड़ा ऑर्डर की वैसे ही है? ऑर्डर बड़ा छोटा नहीं, हमारे लोग कमीशन मिलता है फॉर डिलीवरी। अच्छा, इधर बैठिए। नहीं तो मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो ये जो टाइमिंग चेंज हुआ है, इससे आपका कोई ऑर्डर बढ़ा? ऑर्डर बढ़ा। हाँ, अभी मैक्सिमम कितना ऑर्डर हो रहा है दिन में? अभी 16, 17, 18, 15। अच्छा, 15, 16, 17, 18, यानी 15 के आसपास होता है। हाँ भाई, 15 के आसपास ऑर्डर है। मैंने आगे ही बात लोगों से करी थी, उसमें भी लोगों ने यह बताया 15 के आसपास ऑर्डर है अभी। अभी नॉर्मली वैसे होता है। तो आप ये बताइए, आप कहाँ से? जी मैं नेपाल से। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? अजय। अजय, तो भाई आपको कितने साल हो गए कतर में? कतर में मेरे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए जी। तो तलाबाद में आप चेंज कराया कि कहीं कि किसी कंपनी में चेंज से? सप्लायर पे चेंज कराया। अच्छा, तो ये बताइए जब आप चेंज कराया था आपने जी, उसके बाद से आप ज्वाइन है, तो ये सैलरी पे कि टिप पे? टिप पे। कितने रुपये टिप मिलती है आपको? जी इसमें अपना पूरा है तो 11 रुपये मिलेगा। अच्छा, अगर अपनी गाड़ी है? अपनी गाड़ी, पेट्रोल, रूम, खाना। ठीक है, ये बताओ कि अभी आप महीने में आपका फ्रीलांसर वीजा है जी, तो आपका रूम का खर्चा, खाने का खर्चा ये आपका है, और गाड़ी भी ये आपका ही है कि कंपनी का? आपका ही है जी। तो आप कितने रुपए पर ट्रिप आपको मिल रहा है? ये 11 रियाल मिल रहे हैं आपको। 11 रियाल मिलता है क्योंकि गाड़ी आपका है। तो दिन भर में आप 15, 16, 17 ट्रिप मारते हैं जी। तो रूम का रेंट कितना आ जाता है यहाँ पे? रूम का रेंट इधर 350 से लेके 550 भी है। अच्छा, तो मेरे रूम रेंट 500 रियाल जा रहे हैं। 500 रियाल। और खाना भाई कितने खर्चा आ जाता है? खाना में वो भी है 400-500 जाता है। शेयरिंग करके बनाते हैं कि या बाहर खाते हैं? शेयरिंग में जी। अच्छा, तो ये बताइए कि मैक्सिमम महीने में आप नेपाल का कितना बचा लेते हैं अपना खर्चा पूरा निकाल के? मैक्सिमम नेपाल का ऐसे बोले तो कतर का रियल है ना, 3000 सेविंग हो जाता है। 3000? ये नेपाल कितना हो गया? नेपाल को अभी रेट जाता है 30 के लिए 1 लाख हो जाता है। 1 लाख? 1 लाख महीना आप बचा लेते हैं नेपाल का। मेहनत कितने घंटे करते हैं? मेहनत तो ही है, 12-13-14 घंटे काम करते हैं। अच्छा, 12-13 घंटे 14 घंटे। हाँ, तो भाइयों आप लोग ने देखा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये गाड़ी आपका है, तो ये जो हेलमेट होता है और ये बैग होता है, अगर कोई अपना ज्वाइंट हो रहा है अपनी गाड़ी लेके, तो ये कंपनी देता है ये भी अपने खरीदना पड़ता है? कंपनी का है ये, फ्री है। कंपनी क्या क्या फ्री देता है आप डिटेल में बताइए जल्दी। उसका है हेलमेट देता है, हेलमेट हो गया, बैग हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म हो गया। अच्छा, तो इंश्योरेंस भी आप लोग का रहता होगा? इंश्योरेंस वो कंपनी को कर देता है। कर देता है। तो आप अभी खुश है कतर में? जी खुश है, इसीलिए 5 साल से रह रहे हैं ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। तो भाई बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग यहाँ आना चाहते हैं, इनको थोड़ा आप बताइए, मोटिवेट करिए कि मेहनत है, और अगर आप यहाँ काम करने आ रहे हैं तो क्या सोच के आओ आप लोग? इधर आएगा ना तो वही है, जितना जल्दी से उतना जल्दी पैसा कमा लो, मुलुक जाओ, अच्छा सेटल हो जाओ। अच्छा, ज़्यादा दिन विदेश में रह के फायदा नहीं है। अच्छा, और मेहनत के बारे में बताइए लोगों से आप? जितना मेहनत करेगा उतना पैसा मिलेगा कहीं भी है। आप छुट्टी करते हैं? जी हफ्ता में 1 दिन छुट्टी होता है। अच्छा, तो दोस्तों देखा मैंने आप लोग की भाइयों से बात कराई है, और भाइयों ने पूरी इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, आपने हमसे बात करी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देता रहूँगा। ये भाई नेपाल के थे, आगे चल के मैं किसी और से मिलूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।